बहुत छोटी शुरुआत थी, दो आदमी थे, एक मैं और एक मेरा कलीग, कलीग ही बोलूंगा मैं, एम्प्लॉय था, लेकिन वी स्टार्टेड और बाइक पे घूमते थे और सभी इंडस्ट्री स्ट्रगल करते थे और आज यहाँ पहुँचे आपके सामने नतमस्तक हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्रिएटिव वर्क प्लेसिंग में जो हम लोग बेसिक जो थीम रखा है, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और कस्टमर रिलेटेड इश्यूज, जो भी कस्टमर रिलेटेड इश्यूज है उसको सॉल्व किया और जहां पे सॉल्यूशन, जहां पे प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन देंगे तो मार्केट में लीड करेंगे, आप सॉल्यूशन नहीं देंगे तो नहीं है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट द सॉल्यूशन और रूट कॉज को लीजिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए और उसका प्रोडक्ट बनाइए या उसका सॉल्यूशन दीजिए। तो उससे ये हमारा मंत्र है और आप सभी लोगों का सहयोग रहा कि हमने कंपनी चालू की है, हमने उसमें किया। इसके साथ में जो हम लोग पिनिया मेट्रिक लैब एंड रोबो ऑटोमेशन, ये कंपनी में जो IIoT पे काम कर रहा है, आज जमाना है कनेक्टिविटी का, आज जमाना है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। कनेक्टिविटी के लिए जो मशीनें एक दूसरे से बात करेगी, आगे जाके मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेगी कि कैसे इंफॉर्मेशन से कितना इनपुट देना है। तो IIoT पे काम कर रहे हैं हम लोग और उस पे स्टील इंडस्ट्री पे बहुत फोकस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खासतौर पे कम्युनिकेशन को लेके, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग IIoT को लेके आए हैं। और ये बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। 2030 का विजन है कि हम पूरे स्टील और सीमेंट और माइंस इंडस्ट्रीज में इस IIoT को एस्टेब्लिश करेंगे और पूरी इक्विपमेंट जो है, पूरी मशीनरी जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी आफ्टर 5G। और काफी डिस्पेंसर्स पे हमने काम किया है, जैसे डीजल डिस्पेंसर, बायोडीजल डिस्पेंसर, लेकिन इसके साथ में एक इंडस्ट्री में बड़ी चैलेंज हुआ करती है, एड ब्लू। आजकल नया एक आया है एड ब्लू, और एड ब्लू जो है बहुत ही नया चीज है और इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल भाई है, थोड़ा सी कोरोसिव केमिकल होता है एड ब्लू, जो कि PS6 इंजन में आजकल डालना मैंडेटरी हो गया और इसकी वजह से इसकी हैंडलिंग बड़ी टफ है। तो इंडस्ट्री में बड़ी सॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी कि भैया नहीं, आपको ये किस तरीके से हैंडल करना है, क्या करना है। तो हम लोगों ने बोला नहीं यार, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि काम कर रही है इसके ऊपर और उनके कॉस्टिंग जो है हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए नहीं था, ट्रांसपोर्टर्स के लिए नहीं था, ट्रांसपोर्टर्स के लिए रेट बहुत ज्यादा था, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसी प्राइसिंग थी। और हमारे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन का जो हमारा मंत्र है, हमारी कंपनी का मंत्र है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन अपने इंडस्ट्री को देना है। तो हमने बोला नहीं भाई, इसके लिए कुछ बनाना चाहिए। हमने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन में ये मशीन बनाई है, डिजिटल एड ब्लू, डिजिटल डिस्पेंसिंग यूनिट फॉर एड ब्लू, बहुत ही लाइट वेट, कैरी ऑन, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ये जनरली आईसीसी टैंक्स के ऊपर लगा रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव। इसकी प्राइस हमने रखा है 29,999 रुपया बिग राउंड, जबकि सेम मॉडल की दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा प्राइस थी, जस्ट डबल थी, हमने उसको रिड्यूस कर करके देखिए। आज के डेट में इंडस्ट्री की एक ही नीड है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, और जो आदमी कॉस्ट कम कर सकता है वो दुनिया में राज कर सकता है। बोलेंगे मैन्युफैक्चर इंडिया ग्रेट इंडिया, ओके, मैन्युफैक्चर इंडिया ग्रेट इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया। जब तक हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ेगा तो स्वावलंबन नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे हर एंटरप्रेन्योर भाई को और स्वदेशी प्रोडक्ट को आपको लेना पड़ेगा, आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।